हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल हेयर स्टाइल। उससे पहले, गर्मियों का सीजन है, बरसात का सीजन है, जिसकी वजह से बहुत हेयर फॉल हो रहा है एंड बाल डैमेज, ड्राई एंड डल हो चुके हैं, तो आपको कुछ स्पेशल केयर की जरूरत है। तो आप पार्लर में स्पा कराने जाते हो तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो घर पर आप इस तरीके का स्पा क्रीम ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लॉरेल का। मैंने यहाँ पे न्यूट्री ग्लो का हेयर स्पा क्रीम लिया हुआ है। इसको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे बाल भी काफ़ी डल एंड डैमेज हो गया, मैंने जितना भी इसका रिव्यू देखा उन्होंने डायरेक्ट स्कैल्प पे हेयर स्पा क्रीम को लगाया है, बट मैं कहूँगी कि आप डायरेक्ट स्कैल्प पे क्रीम मत लगाइए, क्योंकि जब भी आप हेयर कंडीशनर अप्लाई करते हो तो कभी भी हम लोग स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करते हैं। कंडीशनर एंड स्पा वगैरह हम लोग क्यों करते हैं, बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाने के लिए। स्कैल्प पे उसका असर थोड़ा सा अलग ही दिखाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर और भी ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। तो इस पर लिखा भी हुआ है कि ये बालों को सॉफ्ट, स्मूथ एंड नरिशिंग करेगा, मैनेज करेगा आपके हेयर को एंड फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करेगा, और ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ है। बट इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ये है। तो आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो पहले अपने हेयर की जो जड़ है, स्कैल्प है, उस पर कोई अच्छा सा ऑयल यूज कर लीजिए। मैं बोलूँगी कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा। तो स्कैल्प पे आप ऑयल यूज कर लोगे तो ये जो क्रीम है वो डायरेक्ट आपकी स्कैल्प तक नहीं जाएगा एंड आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करेगा। कभी भी आपने कंडीशनर देखा होगा कि स्कैल्प पे हम लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ लेंथ पे लगाते हैं। न्यूट्रीग्लो का कंडीशनर भी है मेरे पास, तो वो मैं हेयर वॉश करते टाइम यूज करूँगी। अभी सिर्फ स्पा कैसे करते हैं, न्यूट्रीग्लो स्पा हेयर अरेंजमेंट्स का ऑल हेयर टाइप्स है ये, तो इसको कैसे यूज करना है वो बता रही हूँ मैं। मेरी मानिए तो आप स्कैल्प पे डायरेक्ट यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हमको अपने लेंथ को एंड बालों को सॉफ्ट, शाइनिंग एंड स्मूथ बनाना है, कि बाल उलझे नहीं और काफ़ी सॉफ्ट रहें। इस पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ये स्पा क्रीम होती तो ऑब्वियसली हम लोग जड़ में लगाते, बट हमको सिर्फ बालों को एंड लेंथ को सॉफ्ट स्मूथ बनाना है। इस तरीके से अच्छे से जड़ों में ऑयल को लगा लीजिए। तो ऑयल मैंने लगा लिया है, अब हम लोग स्पा क्रीम ओपन करेंगे। नहीं, इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पा क्रीम है तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिक्स होगा। इसका जो ढक्कन है वो भी इसमें गिर गया है, आपको दिखाती हूँ मैं एक सेकंड। ये देखो, तो पैकेजिंग करते टाइम भाई न्यूट्री ग्लो वालों थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ढक्कन अंदर डाल के दे देते हैं। तो चलो कोई नहीं, लगाना ही है तो डायरेक्ट इस ढक्कन के क्रीम को ही मैं अपने बालों पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो घर पे आप हेयर स्पा क्रीम मंगा के इस तरीके से अपने बालों को हेयर स्पा कर सकते हो। और इसको स्टीम कैसे देना है वो भी बताऊँगी मैं। तो मैंने स्टीमर मंगाया था फ्लिपकार्ट से, अच्छे से पूरे लेंथ में बालों के लेंथ में इसको अप्लाई करेंगे। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, पूरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं गाइस, तो इसीलिए मैं स्पा कर रही हूँ। अभी रात का टाइम है एंड मैं रात में ही स्पा कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम वीडियो बनाते टाइम काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि कोई कस्टमर नहीं आते और मैं आराम से अपना वीडियो शूट कर पाती हूँ। सॉरी, कॉल आ रहा था। ऊपर से आप लगाओगे, क्योंकि हमने ऑयल तेल लगाया हुआ है, हमको अपनी पूरी बालों में इसको क्रीम को पहुंचाना है, तो ज़्यादा जड़ तक आपकी एक क्रीम नहीं जाएगी। देखते हैं, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी होगा। आप सोच रहे होंगे हेयर स्टाइल का टाइटल दे के स्पा बता रही है, तो हेयर स्टाइल भी है तो एंड में देखने को मिलेगा हेयर स्टाइल। रक्षाबंधन पे आप वो ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि मेरे चैनल पे आपको सेल्फ हेयर स्टाइल की वीडियोस मिलती हैं। तो ये अच्छे से मैंने क्रीम अप्लाई कर लिया है, बालों में अच्छे से क्रीम अप्लाई कर लिया है,
ये देखो मुझे हेयर फॉल भी हो रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो ये मुझे पहले से ही हो रहा है, क्रीम की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले और ज़्यादा हो रहा था, बट अभी क्रीम लगाया था शायद, लेकिन एक बार मेरे को कुछ असर नहीं करता है। ये मैंने क्रीम लगा लिया अच्छे से बालों में, अब इसको अच्छे से इस तरीके से बालों पे ही सॉरी इस तरीके से लपेट दूंगी, एंड क्लचर कुछ भी हो उससे आप इसको सेट कर लीजिएगा। सॉरी मैं क्लचर निकाल रही हूँ, तो मैंने लगा दिया है एंड क्लचर को इस तरीके से लगा दिया है, देन क्रीम को अच्छे से पैक कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे यूज करना होगा। तो जो भी ढक्कन वगैरह में बचा है क्रीम वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बाल कितने कितने परसेंट तक सॉफ्ट होते हैं, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये है हेयर स्टीमर, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। मैं इसकी पॉलिथीन रख रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में इसको दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। इसको आपको प्लग में लगाना है, यहाँ से ये ऑफ ऑन होता है, जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे बत्ती जल जाएगी। इसमें इस तरीके का प्लास्टिक है अंदर से, इसको इस तरीके से बालों में पहन लेना है। 15 से 20 मिनट तक आपको स्पा क्रीम को अपने बालों में रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको पैक कर लिया है, तो इसको 20 मिनट तक मैं स्पा लेने के बाद से आपसे मिलती हूँ। दोबारा से प्लग लगा के वहाँ पे बैठ जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे 20 मिनट तक स्टीम लेने के बाद। ओके, तो ये कैप जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है एंड 20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रहूँगी, और 20 मिनट के बाद मैं कंडीशनर के साथ इसको वॉश करूँगी। पहले शैम्पू से अच्छे से बालों को वॉश कर लेंगे, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करेंगे। कंडीशनर भी न्यूट्री ग्लो का ही है, तो आपने मेरे पहले वीडियोज में देखा होगा, वैसे मैं फिर से दिखा देती हूँ कैसे कैसा है कंडीशनर। ये ढक्कन इससे बड़ा दिया हुआ है जो इसमें फिक्स नहीं हो रहा है। यार क्या करते हो आप लोग, बहुत फिक्स हो गया। फिक्स कर देने से क्या होगा कि इसमें जो हवा नहीं लगेगी और ये क्रीम जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो इसको मैं दोबारा से पैक करके रख देती हूँ एंड कंडीशनर दिखला देती हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर। जब आप शैम्पू कर लोगे पूरा अच्छे से वॉश करने के बाद से, इसको अपनी लेंथ पे बालों पे अप्लाई करेंगे एंड 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड पानी से सिंपली वॉश कर लेंगे, और उसके बाद से रिजल्ट क्या आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं इसको 20 मिनट तक रखती हूँ हेयर वॉश करने के बाद से एंड कंडीशनर अप्लाई करने के बाद, कल बताती हूँ कि क्या रिजल्ट है। क्योंकि रात में तो अभी वीडियो शूट नहीं करूँगी हेयर वॉश करने के बाद से, कल मॉर्निंग में आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी और हेयर स्टाइल भी। माफ़ी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से आपने उसका दिल दुखाया है। माफ़ी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से आपने उसका दिल दुखाया था। तो फ्रेंड्स, अभी पूरे 20 मिनट तक मैंने स्टीमर को बालों में रख लिया है, देन इसको मैं ओपन कर रही हूँ। तो बाल गर्म है बट मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने,
वॉश करने के बाद से शैम्पू से वॉश करूँगी। मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज कर रही हूँ। आपको जो है आपके पास जो आपको सूट करता हो वो आप यूज कीजिएगा। ओके, मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ, कहीं किसी कस्टमर को अप्लाई करना होगा तो। किसी के बाल का कुछ भी सबको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो आप भी चाहो तो ये मंगा सकते हो। बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से बालों को स्टीम भी करता है। इसको मैंने पॉलिथीन में डाल के रख दिया है और हेयर वॉश करके कंडीशनर अप्लाई करके और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी पूरे 20 मिनट तक मैंने स्टीमर को बालों में रख लिया है, देन इसको मैं ओपन कर रही हूँ। तो बाल गर्म है, बट अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने। वॉश करने के बाद से शैम्पू से वॉश करूँगी। मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज कर रही हूँ। आपको जो है आपके पास जो आपको सूट करता हो वो आप यूज कीजिएगा। ओके, मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ, कहीं किसी कस्टमर को अप्लाई करना होगा तो। किसी के बाल का कुछ भी सबको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो आप भी चाहो तो ये मंगा सकते हो। बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से बालों को स्टीम भी करता है। इसको मैंने पॉलिथीन में डाल के रख दिया है और हेयर वॉश करके कंडीशनर अप्लाई करके। तो ये मैंने बालों को वॉश कर लिया है, देन बालों को रात भर ऐसी टावल में छोड़ दिया था, इस वजह से थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट बहुत ही अच्छा था। और हेयर फॉल भी 50% तक मेरा काफ़ी कम दिख रहा था मुझे। एंड मैंने इसको अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि आप इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं फ़र्स्ट टाइम ये न्यूट्री ग्लो का हेयर स्पा क्रीम लगा रही थी, इसी वजह से मैंने ऑयल अप्लाई किया था। कि आप भी अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो देखना ज़रूरी है कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वजह से मैंने पहले ऑयलिंग की थी, उसके बाद से क्रीम अप्लाई किया कि डायरेक्ट स्कैल्प पे असर ना डाले, बट मैं इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे भी लगा सकती हूँ। ये मेरे बालों के लिए बेनिफिशियल है और हेयर फॉल को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक वीक के बाद दोबारा अप्लाई करूँगी एंड अपने किसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्या रिजल्ट है इसका। तो ये हेयर फॉल को आपके कम करता है, बट इस पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मुझे यूज करने के बाद पता चला। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो बिना तेल लगाए भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं हेयर स्पा की के बारे में बता रही थी, बट कुछ फेस्टिवल होता है तो हम लोग अपने बालों पे ज़्यादा केयर करना चाहते हैं और परेशान रहते हैं, तो इसलिए मैंने इस स्पा की वीडियो दी आप लोगों को। आजकल हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप स्पा वगैरह टाइम टाइम पे कीजिए। बहुत ज़्यादा बाल उलझ रहा है तो आप स्पा करो तो आपके बाल काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं, सुलझे रहते हैं। तो चलिए, हेयर स्टाइल को देखिए एंड ट्राई कीजिएगा। रक्षाबंधन में आप ये दो हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, साड़ी सूट आपके ऊपर है, पहनोगे तो इंडियन वेयर ही, तो आप इंडियन वेयर पे ये दोनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। और कैसे बना रही हूँ आप देख सकते हो। ये छोटा सा मैंने स्टफ ही लिया है एंड अपने बालों में एक हल्का सा पफ दिया है। किस तरीके से बना रही हूँ अब आप देखो और इसको ट्राई कीजिएगा। बैक से ये बाल ऐसे दिख रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, कैमरे में ऐसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट दिख रहे थे बाल।
Thank you.